नहीं लगाया, मेरे स्टोर में नहीं लगाई तुमने, तो स्टेटस स्टोरी से क्या होता है, बोल दिया वो काफी है। तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी, होप्स आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो भाई अभी बज गए शाम और मैं जस्ट अभी कॉलेज से आऊँ, वो भी मतलब एक पीरियड छोड़ के आऊँ तो भी मतलब 5 बज गए। तो फिलहाल तो लग रही भूख, तो अपने लिए चाय बनाते हैं फटाफट से, शाम भी हो गई चाय बनाएंगे तो मस्त मजे करेंगे, मतलब चाय पियेंगे फटाफट से, चाय बनाते हैं। सो भाई चाय अपनी रेडी है, फटाफट से इंजॉय करते हैं। और एक बात और कि भाई कई दिन हो गए मैंने अपने गिटार को ना मतलब कि छुआ भी नहीं है और ये थोड़ा बहुत गंदा सा पड़ा है, तो आज मैं आपको इसको बेस्ट वे बताऊंगा मतलब साफ करने का, कैसे तारों के बीच में दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकंड कैसे होता है वो, क्योंकि ना ये ढंग से साफ नहीं होता है, जैसे ये गैप्स है तो इसके बीच में कैसे साफ करते हैं। सो भाई थोड़ा बहुत बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। सो करेंगे अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको भी। फिलहाल तो इसको नीचे उतार के रख लेते हैं अभी। तो भाई ये गिटार है ना मैंने मतलब कि सीखा था थोड़ा बहुत पहले, जब मतलब फर्स्ट ईयर में था तब मैं सीखने जाता था, तो वो छूट गया क्योंकि पेपर आ गए थे, उसके वजह से मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत अभी भी आता है, बट ये नहीं कि पूरा नहीं आता, पूरा तो भाई कभी किसी को आ ही नहीं सकता, मुझे कभी पूरा नहीं सीखा जा सकता, ये तो भाई हमारे सर ने बात बताई थी। और मतलब कि आता है, थोड़ा बहुत आता है, इतना मतलब प्रो भी नहीं आता। तो भाई गिटार को साफ करने के लिए ना आपको चाहिए एक सूखा कपड़ा एंड एक स्पंज, जिसको अभी हम गीला करेंगे, तो गीला करते हैं इसको पहले फटाफट से। इसको फिर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है वो फिर निकल सकता है। सो भाई अब हम स्पंज को लेके एंड चेक करते हैं भाई इसके अंदर पानी है, हल्का हल्का है भाई, ओके है। सो भाई गिटार साफ करने के लिए पहले तो हल्का हल्का सारी जगह मार दो, एंड भाई ये स्पेशल इसके साफ़ करने के लिए होता है तारों के बीच में, यानी कि क्योंकि यहाँ पर गैप बहुत कम होता है ना, सो इसलिए बड़े आसानी से ऐसे करके साफ हो जाता है स्पंज के ज़रिए। देखो भाई डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करा है, सुबह देख लो कितना बढ़िया हो गया। एंड भाई इसको साफ़ करने के लिए, इसके लिए तो आपको कपड़े से ही साफ़ करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि भाई इस पर ज़्यादा गीला मारोगे ना तो ये पानी छोड़ देता है। सो अच्छे से इसको ऐसे ऐसे साफ़ करना पड़ेगा, एक जगह करनी एंड देन उसको सूखने के लिए टाइम देना, बिल्कुल ऐसे जैसे देखो भाई अभी सूख जाएगा थोड़ी देर में, 5 सेकंड रुको, देखो भाई सूख गया ना सारा, क्योंकि भाई गिटार की लकड़ी जो होती है ना वो बहुत अलग टाइप की होती है, सेम नहीं होती। इसको ऐसे ही साफ़ करते हैं, एंड भाई मेन पार्ट इसका यही है जिसको हमें साफ़ करना बहुत आना चाहिए। सो भाई मैं ढंग से एंगल भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, फिलहाल मैं अकेला ही कर रहा हूँ। और भाई मैंने अपनी चाय भी अभी आधी छोड़ के, मैंने कहा चलो पहले वीडियो ही बना लेते हैं। सो भाई ऐसे ऐसे इसको साफ़ करना अच्छे से, एंड देन इसका भी सेम प्रोसेस, पानी सूखने के लिए टाइम। आज ना मुझे इसे साफ़ भी करना था तो मैंने कहा चलो साफ़ ही कर लेते हैं और वीडियो भी बना लेंगे, सो दोनों काम हो गए बेटर वे में। एक बात का ध्यान रखना है कि भाई इस पे ज़्यादा प्रेशर ना जाए वरना तारें टूट सकती है भाई, ये वाली सबसे कमज़ोर तार होती है, नहीं ये थोड़ी मतलब होती है हार्ड। और भाई देखो चमक गया अपना गिटार, भाई अपना गिटार भी साफ हो गया है, और मैं इसको आज नहीं बजा के दिखाऊंगा कभी और, क्योंकि भाई इसको पहले ट्यून करना पड़ेगा। देखो आवाज़ सुनो कैसी आ रही है इसमें से, भाई अभी ट्यून नहीं हो रखा, सबसे पहले तो इसको ट्यून करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब कि ये बजेगा। भाई अभी शाम हो गया और अब हम जंग में उतरने वाले हैं, यहाँ पे ये भी रेडी हो गया है और ये भी रेडी हो गया है, और अभी हमारा एक और बंदा आ रहा है, वो थोड़ी सिब्बू आ रहा है, तो वो लेने गया बंदूक के तो लेके आएगा ना, उसके बाद जंग शुरू करेंगे अपनी, मैं तो इसी फोन में करूँगा स्टार्ट, चलते हैं अपने मैदान में, दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास और कोई फोन नहीं है। A few moments later. भाई अभी रात के 9 बज चुके हैं और हमने गेम वेम खेली और मुझे अब याद आया कि भाई निशा का बर्थडे आज, और मैंने उसे आज ना विश किया ना स्टेटस लगाया ना स्टोरी लगाई, और अब ना रात के 9 बज चुके हैं मतलब बर्थडे खत्म होने का, तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं उसका बर्थडे विश करेंगे मतलब लेट टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आपका बर्थडे है, झूठ बोल दिया, आज इसका बर्थडे है ना, आज इसका बर्थडे है ना, आज इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे नहीं है तेरा, बर्थडे है तेरा, नहीं है, है भाई, सबने स्टेटस लगाया था मैं नहीं लगाया इसलिए, मेरा स्टेटस नहीं लगाया, मेरी स्टोरी नहीं लगाई तूने, तो स्टेटस स्टोरी से क्या होता है, बोल दिया वही काफी लगाया तो, और कुछ ही लगाता है मेरे, तूने केक खिलाया अल्लाह है ना भाई, केक नहीं खिलाया, मैं क्यों खिलाऊं, वो लड़की तो
आती है कौन सी? हाँ, जिसकी दो स्टोरियां पाता है। चल रहा, वो तो सिस्टर है मेरी। तो मैं क्या तेरे दुश्मन हूँ? तो फिर वो आज नेट नहीं था यार मेरे पास। ले हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोल दे एक बार। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल गाना बजा दे तेरे लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस यही काम है, हैप्पी बर्थडे बोलो। शर्म नहीं आती कि भाई वापिस रिप्लाई भी देना होता है? अच्छा बता, तूने कि यहाँ पे केक काटा तो फिर मेरे को बुलाया? ऐसे दिखा रही है। करा तो है, अब देख। बिना नेट के भी करा तुमने? अब करा तो है। अब करा ना, सुबह को कहाँ था? कॉलेज में, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलता मेरे को। तो भाई चलते नीचे, ये माने या ना माने, मैंने तो कर दिया। मेरी स्टोरी लगा दे तू। अब लगाऊं? हाँ, अब लगा। स्टोरी? हाँ। अब क्या फायदा लगाना? अब कोई फायदा नहीं स्टोरी लगा के। दे मेरे को नहीं बता। नेट दे दे फिर लगा दूंगा, मेरे फोन में नेट नहीं है भाई, कैसे लगाऊं स्टोरी? नेट ले ले, नेट की क्या बात है। चल नेट चला, स्टोरी लगाता हूं। तो भाई पहले इसकी स्टोरी लगाता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। तो भाई फाइनली लगा दी मैंने इसकी स्टोरी, और अब जाके मतलब कि याद आया मुझे, मैं भी काफ़ी लेट हो गया था, बोला भी नहीं था मैंने हैप्पी बर्थडे, वो भी अभी बोल के आऊँ। सो भाई अब मेरे को करना है कॉलेज का काम, रात के 9 बज चुके हैं। तो भाई अब काम करेंगे और उसके बाद व्लॉग भी एडिट करना है पहले तो। सो भाई बहुत अभी काम है, सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना। सो गाइस मिलते हैं कल नए व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो भाई अभी शाम होगी और हमारी